स्टार टाइम लेकर आपकी खिदमत में मैं यासिर कुरैशी और मैं आसफा खान। और नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो दो शख्सियात मौजूद हैं वो दो जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। टेलीविज़न, स्टेज, फिल्म और रेडियो का बहुत बड़ा नाम जनाब इरफान खूसट साहब, और इनके बराबर में तशरीफ़ फरमा हैं उनके साहबजादे सरमद सुल्तान खूसट, जिन्होंने एक्टिंग भी की है और साथ ही साथ लिख भी रहे हैं कुछ ड्रामे। अच्छा इरफान साहब, ये मुझे बताइए कि आपके नाम के साथ ये जो खूसट लफ्ज आता है, ये मैंने किसी और नाम के साथ कभी भी नहीं सुना, मतलब अपनी सारी ज़िंदगी में। तो ये खूसट कोई ज़ात है या आपका कोई तखल्लुस है या इससे कोई खासियत मंसूब है? ये जी मेरे वालिद का नाम था सुल्तान खूसट। खूसट के लफ्जी मानी जो है वो है बुढ़ा खूसट कहते हैं, बहुत बुढ़ा जो हो उसे खूसट कहते हैं। तो ये इत्तेफाक है कि मेरे वालिद का ये नाम जवानी में ही था, और जहाँ तक मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि आलम नौजवानी में था। तो उन्होंने चूँकि स्टार्ट लिया थिएटर से, और थिएटर में वो एज पेंटर काम करते थे, तो सुल्तान अली नाम था। तो वो आर्ट डायरेक्टर की हैसियत से काम करते करते शौक हुआ एक्टिंग का, तो जो पहला किरदार उन्होंने स्टेज पर अदा किया वो एक बूढ़े आदमी का था। तो चूँकि नौजवान थे तो सबने यही कहा कि ये तो बिल्कुल बुड्ढा खूसट है, तो वहीं से उनका नाम सुल्तान अली से सुल्तान खूसट हो गया। उसके बाद जब उनका इंतकाल हो गया 1965 में 18 फरवरी को, तो मेरा नाम इरफान अली हुआ करता था, और उनकी ज़िंदगी में एक दो प्रोग्राम मैंने रेडियो पर किए थे, तो वो फिर मुझे इरफान खूसट कहना शुरू हो गए। और एक जो सिमिलैरिटी मुझ में और मेरे वालिद में वो ये है कि उन्होंने थिएटर में पहला जो करेक्टर किया था वो ओल्ड करेक्टर किया था, तो इसी तरह मेरे साथ भी हुआ कि मैंने जो पहला थिएटर किया वो नईम ताहिर साहब का ड्रामा था लड़की शर्मिली थी, तो उस वक्त मैं भी नौजवान था, दाढ़ी मूछ मेरी इतनी निकली नहीं थी, तो वो नौकर का किरदार था। तो नईम साहब ने मुझे कहा कि ना तुम बच्चे लगते हो ना तुम जवान हो, तो तुम्हें क्योंकि थिएटर एक लॉन्ग शॉट होता है, स्टैटिक फ्रेम होता है, तो वो दूर से पता नहीं लगेगा, लिहाजा इसे कोई किरदार कोई शक्ल देने के लिए मुझे ओल्ड कर दिया था। तो मैंने भी पहला किरदार भी किया वो ओल्ड करेक्टर किया, लिहाजा मैं भी खूसट हूँ, मेरे अब्बा भी खूसट थे। अब ये जो बेटा मेरा है ये क्यों खूसट है ये मुझे नहीं समझ आया। अब ये हम सरमद से पूछते थे ना कि आपने भी कहीं पहला करेक्टर जो है वो ओल्ड तो नहीं कर लिया, तो ये खूसट आपके नाम के साथ भी? नहीं जी, ये मेरे साथ थोड़ा सा ज़रा मुख्तलिफ कुछ हुआ। मैंने जो पहला प्ले किया वो एक प्राइवेट प्रोडक्शन थी, कॉमेडी, तो उसमें मैंने सरमद सुल्तान, दादा का नाम सुल्तान जो है वो मुझे नहीं याद मेरे अब्बा ने बचपन में क्यों अपने नाम के बजाय मेरे दादा का नाम मेरे नाम के साथ लगाया, सरमद अली सुल्तान मेरा स्कूल में नाम है कॉलेज में भी। तो वो जो पहला प्ले किया उसमें सरमद सुल्तान के नाम से किया। फिर दूसरा जब मैंने लिखा और उसमें एक्ट भी कर रहा हूँ जो कि मेरे अपने अब्बा की प्रोडक्शन है, तो उसमें आई जस्ट थॉट कि एक आपका जिस तरह एक ब्रांड नेम होता है, एक आपका फैमिली नेम होता है, तो वो ना सिर्फ आपको एक आइडेंटिटी देता है बल्कि एक बड़ी अच्छी सी फीलिंग होती है जब वो उस एक नाम की वजह से लोग आपको कितनी दूर तक पहचान लेते हैं। तो आई जस्ट थॉट कि क्यों ना मैं भी अपने साथ वो लगाऊं। तो मैंने जब अपने पाठाम से पूछा तो उन्होंने शुरू में तो कुछ थोड़ा सा इस पे तो बहुत कंफर्टेबल नहीं नजर आए, तो लेकिन मैंने जबरदस्ती फिर अपना नाम सरमद सुल्तान खुसर अब कह लिया, बिकॉज आई थिंक दैट्स माय प्राइड एंड दैट्स माय फैमिली नेम एंड इट शुड बी देयर। अच्छा सरमद, ये बताइए कि आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, और ये एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है, तो ये एक्टिंग में आप कैसे आ गए? वालिद साहब ने कहा कि नहीं तुमने यही काम करना है या कुछ रुझान था इस तरफ? अब इसको एक्सीडेंटल भी नहीं कहा जा सकता और बिल्कुल ये बात भी नहीं है कि मुझे बचपन से बहुत शौक था। आई थिंक अंटिल एसएससी, आई डिड माय एसएससी इन प्री मेडिकल, तो मेरा कोई इरादा नहीं था, एंड लिटरली आई मीन इट, मतलब अनलाइक जिस तरह होता है कि अमूमन एक्टर्स के जो बच्चे हैं वो बचपन से अपने पेरेंट्स को आइडियलाइज करते हैं, तो आई एम एडमिटिंग इट इन फ्रंट ऑफ माय फादर, I never idolized his career. Like, I never wanted to be an actor. But मैं डॉक्टर बनना चाहता था और बहुत शदीद मेरी ये ख्वाहिश थी,
ऑल्दो आजकल काफी जो हमारी फिल्मी हीरोइनें हैं उनके इंटरव्यूज में भी यही बात होती है कि अगर आप अदाकारा ना होती तो आप क्या होती, तो मैं डॉक्टर होती. तो कहते दिस इज नॉट द केस विद मी. आई एक्चुअली एंड रियली वांटेड टू बी अ डॉक्टर, लेकिन उसमें कुछ दो तीन फैक्टर ऐसे आ गए कि मैं नहीं डॉक्टर बन सका. आई हैड टू क्विट दैट लाइन. तो उसके बाद आई डोंट नो कब हुआ कैसे हुआ, बट आई जस्ट गॉट इन टू इट एंड आई लाइक्ड इट. अच्छा सर, मत आपके वालिद इरफान खुर्शीद साहब ने तो कॉमेडी करते रहे हैं अब तक. जब मैं कम अज कम मैं जब से इनको देख रही हूँ मैंने इनका कोई सीरियस करेक्टर नहीं देखा. तो आपने ये सवाल है, ये मैं काटूंगा यहीं पर. जी जी जी. कि ये इत्तेफाक है कि मैंने सीरियस ज्यादा काम किया हुआ बेशक. अच्छा. कॉमेडी वो कंसिडर ज्यादा हुआ कॉमेडी. अच्छा. और उसमें वो एक इत्तेफाक ऐसा है और वो मेरी गुड लक है. मैं ये समझता हूँ कि वो एक ही ड्रामा ऐसा था जिसने मेरी एक पहचान बना दी. हालांकि उससे बेहतर काम जो था वो उससे पहले मैं ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में कर चुका हूँ. अच्छा. तो ये बहरहाल अल्लाह की तरफ से वसीला मेरा ये बन गया कि ये वो डायरेक्ट हवालदार अंधेरा उजाला था. तो उसके हवाले से भी वो एक कैरेक्टर था जो कि लाइटर था वो, लेकिन वो कॉमेडियन नहीं था. एक्टर एक्टर होता है, कैरेक्टर जो होता है वो कॉमेडी या सीरियस या संजीदा या ट्रेजिडी होता है. तो मैंने सीरियस काम ज्यादा किया है और कमाल ये है कि मैं कॉमेडी भी संजीदगी से करता हूँ. है आपकी दुकान बहुत दिनों से बंद है. आज कैसे किया है कॉमेडी से? Unfortunately, मैं इसलिए कह रहा हूँ with all my dear apologies to all those great actors जिनको हम as comedians आज याद करते हैं. लेकिन एक जो शिकायत आप समझ लें इरफान खुर्शीद का बेटा होते हुए जो मैं बहुत सारे directors और writers से करना चाहूँगा जिन्होंने अब्बा के लिए लिखा या जिनके ड्रामों में उन्होंने काम किया, कि एक तो ऑडियंस स्टैम्प करती है कि आप एक कॉमेडियन हैं या आपका एक कॉमेडी कैरेक्टर हिट हुआ है. तो जो उस फील्ड के उस प्रोफेशन के लोग हैं वो क्यों स्टैम्प कर देते हैं? लाइक ही हैज नेवर बीन यूटिलाइज्ड इन गुड सीरियस रोल्स. वो मतलब मुझे जो अपने होश का पिछले 10 साल का अरसा जब मैं देखता हूँ तो आई हैव हार्डली सीन एनी प्ले जिसमें मैंने अपने फादर को किसी सीरियस कैरेक्टर में देखा. लेकिन वो कोई ऐसे कैरेक्टर्स नहीं थे कि जो डायरेक्ट हवालदार की तरह जानदार या क्लिक हो जाने वाले थे. तो वो जो एक हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड है कि जब आपका एक पर्टिकुलरली एक कॉमेडियन के तौर पे आप इस्टेब्लिश हो जाते हैं या हिट हो जाते हैं तो फिर आपको उसी रोल में बार बार रिप किया जाता है. तो आपको ड्रो करने का बिल्कुल चांस नहीं मिलता. तो अभी तो खैर आई एम नॉट श्योर कि मैं क्या चीज़ कंटिन्यू करूँगा बिकॉज मुझे एक्टिंग से ज़्यादा लिखने का और डायरेक्शन का शौक है. तो अब आने वाला वक्त ही इस बात का तयन करेगा कि विच पर्टिकुलर फील्ड इज गोइंग टू बी माई यू नो डेस्टिनेशन. लेकिन अभी कॉमेडी एक्टिंग से आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद इट बिकॉज हमारे यहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं in terms of the budgets, in terms of the censors and everything. So, उन सब के होते हुए I think जो एक हमारे यहाँ पे अब जो comedy है that's very superficial, that's forced, that's not natural comedy. बेवकूफ, ये जो अंदरून शहर से लड़कियाँ आती हैं ये एहसास कमतरी का शिकार होती हैं. मम्मी मैं अपनी नेचर नहीं बदल सकता, मैं लड़की से फ्रेंडली तरीके से बात करूँगा. और किस तरह करूं? जी उल्टे पुल्टे एक किरदार था जो पहले इरफान साहब के वालिद साहब ने किया और उसके बाद इरफान साहब ने भी किया रेडियो पर. जी बिल्कुल, रेडियो पर आपने वो किरदार किया. वो किरदार थोड़ा सा याद है आपको? जी याद है. थोड़ा सा हमारे नाजरीन को सुनाना अगर चाहें. वो बस एक बच्चे का किरदार था और इस किरदार के हवाले से एक मैं बड़ी बात जरूरी जो मैं समझता हूँ मैं बता दूं, नाजरीन को भी पता चलनी चाहिए कि लोग जहाँ ये समझते हैं कि ये जो फनकार होते हैं ये एक्टर होते हैं एक्ट्रेसें होती हैं ये कोई अच्छे लोग नहीं होते. ये इस हवाले से मैं ये बात शुरू करनी मुनासिब समझूंगा कि ये इनके कदरदान अच्छे नहीं होते बातों का.
अच्छे कदरदान जो हुआ करते हैं वो ऐसी मिसालें कायम कर जाया करते हैं कि जो साल हर साल याद रहा करती हैं। तो ये उल्टे पुल्टे के हवाले से ये बात है कि मेरी बहन थी, उसने दसवीं का इम्तहान पास किया, उसके कुछ नंबर वंबर कम आए, तो वो दाखिले के लिए जब अप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये नंबर कम है, इसकी डिवीजन लो है, तो इसको दाखिला नहीं मिल सकता। तो मेरे वालिद ने एक जुमला उसको प्रिंसिपल को कहा था, वो अगर जिंदा हैं प्रिंसिपल साहिबा, खुदा उनको ज़िंदगी दे, तो आज मैं उनकी याद दहानी के लिए ये जुमला दोहरा रहा हूँ कि खुदा उन्हें खुश रखे कि उन्होंने उस वक्त मेरे वालिद के जुमले पर अमल करके मेरी बहन को दाखिला दे दिया था। और मेरे वालिद ने ये जुमला बोला था वो यही था, उन्होंने कहा था कि मैं 53 साल का बूढ़ा होकर लोगों के बच्चों को खुश करता हूँ, बच्चा बनकर, तो मेरे बच्चों को खुश करने वाला कोई नहीं। ये बिल्कुल ऐसी बात है जब जैसे अभी इरफान साहब ने शुरू में कहा था कि ईद का दिन वो दिन होता है कि जो लोग हमारे साथ होते हैं हम उनके साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं, और जो हमारे दरमियान नहीं होते वो भी हमें उसी तरह याद आते हैं। अच्छा सरमद, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में आ चुके हैं पूरी तरह? सॉर्ट ऑफ, अभी मैं पढ़ भी रहा हूँ साथ में एमबीए में, मास्टर्स इन साइकोलॉजी, अभी पार्ट टू के एग्जाम्स आई विल बी टेकिंग इन द कमिंग जून। तो अभी भी मुझे ठीक से कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा और कितना करूँगा। मुझे ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़ना चाहता, और अभी आई थिंक आने वाला वक्त ही मुझे भी बताएगा कि व्हाट एग्जैक्टली वुड आई डू। ये भी बहुत मज़े का काम है और इसमें भी बहुत स्कोप है। तो ये अब जो हमारे पास थोड़ा सा टाइम है ना, वो आपके उस करेक्टर के लिए, वो जो आप उल्टे पुल्टे में करते रहे, तो अब वही बच्चा बन के आपने हमें हमारे सवालों का जवाब दिया, ठीक है? कौन थोड़ा बच्चा? अच्छा पहले बताओ कि आपका नाम क्या है? मेरे अब्बा का नाम था, उनका नाम भी उल्टे पुल्टे था और मेरा नाम भी उल्टे पुल्टे। तो ये उल्टे पुल्टे का क्या मतलब है? बच्चों के नाम पे चुन्नू मुन्नू बबलू ऐसे नाम होते हैं? मेरा नाम मैं उल्टे पुल्टे इसलिए है कि मैं उल्टे पुल्टे हरकतें करता हूँ। नहीं तो क्यों उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं? मैं करते नहीं, मेरे से हो जाती है। अच्छा, साइकिल चलाते हैं? साइकिल मैं साइकिल चला लूँ, मेरा नाम मैं कभी तक पहुँच नहीं सकता। अच्छा, और मेरी साइकिल बड़ी है, मैं छोटा हूँ ना। अच्छा, गद्दी तक नहीं पहुँचते? गाड़ी चला लेते हैं? गाड़ी चला लेते तो आपके क्लच तक और ब्रेक तक पाँव पहुँचा? मैं खड़ा हूँ ऐसे लग रहा हूँ। खड़े होकर चला लेते? खड़ा ऐसे लग। अच्छा, तो कहाँ कहाँ चले जाते हैं गाड़ी पे आप? मैं बस वो गैरेज में ही रहता हूँ। गैरेज में ही रहता हूँ, बाहर नहीं आते। तो मुझे कुछ नज़म भी आती है। हाँ, वो नज़म जो आपको आती है वो तो सुनाएं जरा हमारे नाज़म। एक लड़का टोट पटोट बाप था उसका, नीच लोट पिता था वो, छोटा वाटर खला था बदा मुखरोट, वो बच्चा था टोट पटोट। नहीं आगे आगे नहीं जाता आपको? नहीं, मुझको बोल बोल रहे हैं और ट्यून याद है। अच्छा, ट्यून याद है। अच्छा, रोजे रखते हैं आप? रोजे नहीं मैं रखता, मेरे पास जगह नहीं है ज्यादा। रोजे रखने की जगह नहीं है? हाँ। अच्छा, रोजा कहाँ रखते हैं आप जो आपके पास जगह नहीं? अच्छा, वो रोजा में वो चिड़ी रोजा रखता हूँ, दोपहर के वक्त में थोड़ा खा ले लो। अच्छा, तो अच्छा, मेरा वो चिड़िया वाला रोजा हो जाता है। आप कुछ पूछना चाहेंगे उल्टे पुल्टे? माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने एक्टिंग की और बड़ा अच्छा पोर्ट्रेट किया आपने उल्टे पुल्टे को, और पुरानी यादें आपने ताज़ा कराई। तो